ठीक है, तो अभी हम स्टैटिक मेथड के टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक स्टैटिक मेथड मैंने वो मेथड होती है जो मैंने आपको बताया। स्टैटिक मेथड में होता क्या है कि इसमें ना हमको ना किसी भी टाइप के, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ, तो फिर ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका वाइड मेथड, एक होता है नॉन वाइड मेथड। ठीक है, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर वाइड मेथड भी आपका ना, वाइड मेथड होता क्या है, ये बेसिकली डिफाइन है वाइड और नॉन वाइड किस बेसिस पे, रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप एंड नॉन रिटर्न टाइप। ठीक है, तो ये वाइड होता है नॉन रिटर्न, नॉन रिटर्न, और ये होता है रिटर्न। इसका बेसिक मीनिंग ये है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि यदि हम मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है, हमने किसी मेथड को कॉल किया, ये मेथड है, तो ये ना कॉल होने के बाद, मेथड कॉल होने के बाद ना, तो ये क्या है कि कोई भी ना रिजल्ट को ना रिटर्न नहीं करेगी मेन प्रोग्राम में, अपने मेन प्रोग्राम में कोई भी रिजल्ट को रिटर्न नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन रिटर्न। ठीक है, और रिटर्न, देखो वर्डिंग से समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि रिजल्ट को हम ना, ठीक है, जैसे हमने मेथड को कॉल किया, ये क्या करेगी अपने मेन प्रोग्राम में ना कोई क्या है, जैसे यही मेन प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसमें कुछ रिजल्ट को क्या है, कोई वैल्यू उसको क्या है, रिटर्न करेगी, और इसमें हम रिटर्न करते हैं रिटर्न कीवर्ड के थ्रू, जो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो वॉइड मेथड है ये, और नॉन वॉइड मेथड है, तो ये भी आपके दो पार्ट में डिवाइड है। एक किस बेसिस पर डिवाइड है, आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर, मीन्स कि जब हम मेथड को कॉल करेंगे तो उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, दिखा रहा हूँ कैसे। सपोज ये हमारी मेथड है और हमारा मेन प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम क्या है कि यहां से यदि कोई वैल्यू को पास करते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू को यहाँ मेन प्रोग्राम से पास कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका आ जाता है आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विद आर्ग्यूमेंट, और यदि हम कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो ये आपकी जो वाइड मेथड है, वाइड मेथड है, तो वो भी आपकी दो पार्ट में आगे जाके डिवाइड हो जाती है, विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और जो नॉन वाइड मेथड है वो भी सेम दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अभी देखो ये चारों मेथड को, ठीक है, अभी ये चारों, 1, 2, 3, 4, इनको मैं अब आज वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस प्रोग्रामिंग के साथ। सबसे पहले मैं आपके सामने एक सिंपल सा प्रोग्राम रखेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम है, एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या करेगा आपको, इसमें हम क्या ले रहे हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका लेंथ, ठीक है, ये विड्थ है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो आपका ये प्रोग्राम क्या करेगा, रेक्टेंगल का एरिया निकाल के दे देगा, और मैंने अभी यहाँ कोई मेथड यूज नहीं की, सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल है, कोई मेथड यूज नहीं की। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, ली एक क्लास ली, ठीक है, और रेक्ट एरिया मैंने क्लास का नाम ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग ARGS, जो कि हम यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, दो वेरिएबल लिया, एक लिया लेंथ, एक विड्थ। तो लेंथ में मैंने 10 को स्टोर किया एंड विड्थ में 20 को स्टोर किया। ये तो आपसे बनता है कि नहीं बनता। यस सर। और मैंने सिंपल क्या किया, एक वेरिएबल लिया इंट ए, और ए में मैंने एक इक्वल टू किया लेंथ इनटू विड्थ कर दिया। ठीक है, इनटू विड्थ, यस सर। और फिर मैंने क्या कर दिया, जो भी रिजल्ट आया, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये एरिया कर दिया, और प्लस इसको कॉनकैटिनेट कर दिया ए के साथ, मतलब ये क्या एरिया एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये मैसेज एज इट इज, और साथ में ये एरिया प्रिंट कर देगा जो ए वेरिएबल में, ए में एरिया प्रिंट कर देगा। ये क्लियर है? यस सर। इसको मैं एक बार रन करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यदि ये समझ में आ गया, तो अब इसी के बेसिस पे हम चारों मेथड को डिस्कस करेंगे सेम प्रोग्राम के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ एक बार आपको। इसमें ये अननेसेसरी क्या है, सिंबल्स आ गए, तो इसको रिमूव कर दे रहा हूँ।
अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को रिजल्ट दे देगा ये 200 दे देगा, ठीक दे दिया ये ठीक है। तो मैंने सेम प्रोग्राम को कॉल किया, ये यहाँ रन किया तो इसने एरिया दे दिया 200, ठीक है क्लियर है। सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोग्राम, ठीक है। यदि ये समझ में आ गया तो चारों मेथड आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। अब मैंने जो चारों आपको टाइप बताए थे, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था वाइड मेथड विदाउट आर्गुमेंट। तो वाइड मेथड विदाउट आर्गुमेंट आपका करता क्या है, ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड बॉडी, ठीक है, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है। ये वाइड है मींस नॉन रिटर्न, तो मतलब ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मैंने सिंबल के थ्रू भी बनाया, ठीक है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा मेन प्रोग्राम, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और एक और चीज, और मैंने जहां पर लिख दिया विदाउट आर्गुमेंट तो ये कुछ आर्गुमेंट भी नहीं लेगा, ठीक है। अब मैंने देखो जो सेम प्रोग्राम था यहाँ पर, ठीक है, उसको अब ना मैंने फंक्शन के थ्रू बनाया है, देखना, ठीक है। तो देखो अब मैंने लिखा वाइड, तो यहाँ ले लीजिए हमने वाइड की वाय, ठीक है। स्टैटिक, स्टैटिक मींस क्या है कि हम यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा मेथड को कॉल करने के लिए, ठीक है। एरिया, ये क्या है, नेम ऑफ मेथड, नेम ऑफ मेथड, ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्ट एरिया, ये हमारे क्लास का नाम है, नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया इस मेथड के अंदर, मैंने क्या किया मेथड के अंदर, मैंने ले लिया int length is equal to 10, width is equal to 20 और integer area, area is equal to length into width कर दिया, और system.out.println area को मैंने यहीं पर कॉल कर दिया, मेथड के अंदर ही कॉल कर दिया, मेथड चल रहा है यहाँ से यहाँ तक मेथड, ठीक है। और मैंने सिंपली क्या किया, अपना जो मेन प्रोग्राम है पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग args, यहाँ से मैन मेथड स्टार्ट है, यहाँ से मैन मेथड, ठीक है, स्टार्ट है यहाँ से स्टार्ट। और मैंने यहाँ पर क्या किया, एरिया लिया, एरिया क्या है, नेम ऑफ मेथड, ये नेम ऑफ मेथड, और मैंने इसको कॉल कर दिया, तो ये हमारा प्रोग्राम क्या होगा, कॉल होगा यहाँ से, ये कॉल होगा, ठीक है, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम क्या है, मैंने मेथड को कॉल किया, ये कॉल होगा और ट्रांसफर जाएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1x1 एग्जीक्यूट होंगे और ये हमारा रिजल्ट प्रिंट कर देगा, सिस्टम एरिया जो भी है प्रिंट कर देगा। अच्छा अब एक चीज बताइए, ये चीज आपको समझ में आई? Yes, sir. इसको रन करके दिखाऊं? Yes, sir. सिंपल है, हमने लिटिल चेंजेस किए हैं। यदि ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो ये वाला कोड देखना, ये वाला मैंने पूरा कोड, ये वाला पूरा कोड है ना, मेथड के अंदर रख दिया, मेथड के अंदर रख दिया यहाँ पर, और मेथड का नाम दे दिया एरिया, और एरिया को मैंने यहाँ कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करके दिखा दे रहे हैं, ये फॉर्मेटिंग सिंबल है, इनको रिमूव कर दे रहा मैं थोड़ा सा, ये पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली ले लिया फॉर्मेटिंग के समय। अब मैं इसको रन करूंगा, पहले इस पे आउटपुट क्लियर कर दूं क्योंकि सेम आउटपुट आने वाला है। मैंने इसको रन किया और इसने एरिया कैलकुलेट करके दे दिया 200, क्लियर है, ये एरिया यहाँ से, यस सर, ठीक है।
अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप हम, ठीक है। ये हमने देखा था वाइड मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, रटना नहीं है इसमें, नाम से क्लियर करना है सारी चीजें आपको, ठीक है, रटने वाला कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो वाइड वाइड मेथड विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जहां मैंने void यहां पर बोला तो वहां void कीवर्ड यहां भी लग जाएगा, ठीक है। और अभी हम स्टैटिक डिस्कस कर रहे हैं तो स्टैटिक कीवर्ड यहां पर लगा है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड void इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू मेन मेथड, ठीक है। void का मतलब यही होता है कि यदि हमने ये सब मेथड को कॉल किया, मेथड को कॉल किया, तो ये ना मैन, ये हमारे मेन प्रोग्राम में कोई भी क्या है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम ही गलत बना है, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, void method without argument, तो ना ये ना void हमने लगा दिया तो ये return कुछ नहीं करेगा, but with argument कर दिया, with argument तो ये ना कुछ argument लेगा यहां से, कुछ values यहां से लेगा, ठीक है। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे, मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने अपना main program बनाया, पब्लिक स्टैटिक void main, यहां से देखना पब्लिक स्टैटिक void main string args, मैंने क्या किया, जो लेंथ है और विड्थ है, लेंथ इंटीजर, लेंथ इंटीजर विड्थ, ये मैंने अपने मेन मेथड में ही ले लिया, यहीं ले ले रहा मेन मेथड में, यहीं पर ले ले रहा लेंथ और विड्थ, ठीक है, यहीं पर ले लिया। और मैंने क्या किया, कॉल करने के लिए मैंने किया एरिया, और उसके अंदर ना मैंने पास कर दिया ये लेंथ और विड्थ को पास कर दिया, कॉमा से सेपरेट किया, और ठीक है पैरेंथेसिस लगाया यहां पर, ये पैरेंथेसिस है, और सेमी कॉलन लगा दिया एंड में, ठीक है। मैंने क्या किया, अपने मेन प्रोग्राम में ही लेंथ को ले लिया, विड्थ को ले लिया 10 and 20, और उनको मैंने पास कर दिया उनके नेम से, ठीक है, लेंथ विड्थ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जैसे पास किया इनको, ठीक है, पास किया, तो यहाँ रिसीव करने के लिए ना मैंने, ठीक है, सेम डेटा टाइप लिए, यहाँ पर मैंने इंट लिया ना इंट, तो यहाँ पर भी रिसीविंग पैरामीटर है इंट है, इंट, भले वेरिएबल नेम डिफरेंट है, यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, अपनी जो मैन जो अपनी मेथड चल रही है सब मेथड, ठीक है, सब मेथड, यहाँ पर मैंने लिया एक इंटीजर लिया एरिया, तो एरिया में हम क्या करेंगे, जो ए और बी आए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन स्टोर कर लेंगे, ए और बी इनका मल्टीप्लिकेशन स्टोर कर लिया एरिया में, और जो भी एरिया आया मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन और एरिया ये मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है, वाइड मेथड विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है, विद आर्ग्यूमेंट मतलब क्या है, ये आर्ग्यूमेंट लेगा यहाँ, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करके दिखा दे रहा हूँ एक बार, कंट्रोल सी, ठीक है, मैं इस एक मिनट, मैंने प्रोग्राम को कॉपी कर दिया है, एज इट इज को कॉपी कर दिया, ठीक है, या आउटपुट को मैंने किया क्लियर, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो इसने एरिया 200 प्रिंट कर दिया, ठीक है, और एरिया 200 प्रिंट कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट लिए यहाँ लेंथ एंड विड्थ, यहाँ हमने कोई आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यहाँ कोई लेंथ विड्थ नहीं लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है,
यस सर, यस सर। तो अभी हमने देखा void method with argument, ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं non void, ठीक है, non void method, ठीक है, जब मैंने लिख दिया थी non void लिख दिया, तो अब यहाँ पर void keyword नहीं आएगा, ठीक है, yes, sir. याद रखना, ठीक है, और इसमें मैं कर रहा हूँ without argument, ठीक है, और मैंने यदि non void रख दिया, तो ये return है, ठीक है, return type है, means After execution of method body, it returns some value to main method or program, ठीक है? मतलब ये body execute होगी सब program की या method की, तो ये कुछ ना result return करेगा main method को, यहाँ result return करेगा, ठीक है? But ये कुछ argument नहीं ले रहा यहाँ, ठीक है? और यहाँ पर ये नोट्स में कर लेना, इट टेक, ठीक है, नो वैल्यू है, मैं इसको सेंड कर दूंगा, ठीक है, नो वैल्यू है, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, सेम प्रोग्राम है आपका, ठीक है, और एक और चीज है, यदि ये रिटर्न है, कोई भी यदि रिटर्न रहता है ना, तो हम वहां पर रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं कोई वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, यहाँ रिटर्न कीवर्ड यूज करें, ठीक है, ठीक है, सेम प्रोग्राम, ठीक है, अब सेम प्रोग्राम मैंने क्या किया, मैंने क्या किया है कि एक मेथड बनाई, ठीक है, मेथड एरिया मेथड, यहाँ लेंथ मैं यहीं पर ले रहा हूँ, ठीक है, विड्थ यहीं पर ले रहा हूँ 20, और इंटीजर मैंने एक सी वेरिएबल लिया, सी लिया, ठीक है, लेंथ एस्ट्रिक सी, लेंथ कर दिया, लेंथ एस्ट्रिक विड्थ कर दिया, ठीक है, और अब मैंने क्या किया, अपना जो मैन प्रोग्राम है, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, यहाँ पर एक मैंने इंटीजर लिया एरिया, एरिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, एरिया में स्टोर, एरिया में मैंने क्या कॉल कर दिया, ठीक है, स्टोर करा रहा हूँ मैं एरिया मेथड, मतलब मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, ये मेरी मेथड को कॉल कर रहा हूँ मेथड, ठीक है, यस सर, और मैंने आपको बताया रिटर्न है, तो ये कोई रिटर्न वैल्यू करेगा, मतलब ये क्या करेगा, मैन जो अपना मैन प्रोग्राम है, इसको कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा कोई ना कोई डेटा के, मतलब डेटा, डेटा टाइप होता है इसका, ठीक है, कोई ना कोई डेटा टाइप के फॉर्म में रिटर्न करेगा, तो सीधी सी बात है, जो हम रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया, तो उसको देखो, हमने ले लिया कीवर्ड यहाँ पर इंटीजर, ठीक है, इंटीजर एरिया, और मैंने क्या किया, एरिया इक्वल टू एरिया मेथड, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें देखो होगा क्या, बता रहा हूँ, जो हम जो एरिया मेथड हमने यहाँ कॉल किया ना, तो ये एरिया मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 10 गया लेंथ में, 20 भी गया विड्थ में, ठीक है, और c इक्वल टू हो गया लेंथ एस्ट्रिक विड्थ, ठीक है, तो c में स्टोर हो जाएगा, c में 100, अब मैंने क्या किया, इस c को ना रिटर्न कर दिया, रिटर्न, रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, रिटर्न कीवर्ड, और हमने वैल्यूज को लिख दिया c, तो ये रिजल्ट को ना हमारे मैन मेथड में रिटर्न कर देता है, यहाँ रिटर्न कर देगा मैन मेथड में, जहां हमने कॉल किया था, यहाँ कॉल किया है हमने कॉलिंग, yes, अब जो कॉलिंग हमने की, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा 200, मतलब ये आ गया 200, सॉरी 200, ये भी 200, तो ये 200 है ना, जाके एरिया में स्टोर हो जाएगा 200, और इस एरिया को मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया, एरिया यहाँ पर, क्लियर है, yes, sir. अब मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर दे रहा हूँ,
ये मेरी क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। तो इसने एरिया 200 का है प्रिंट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया था, जो अपनी मेथड है, सब मेथड है, ठीक है। तो यहीं लेंथ इक्वल टू 10 लिया था, विड्थ 20, और इंटीजर सी लिया था, सी में स्टोर किया लेंथ इनटू विड्थ, और जो रिजल्ट है हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया सी। तो सी हो गया रिटर्न यहाँ पर एरिया मेथड में, और स्टोर हो गया एरिया में, और इस एरिया को मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। तो ये एरिया आ गया 200, क्लियर है? Yes, sir. अब एक आपका लास्ट टाइप बचा, शेयर। नॉन वाइड मेथड विदाउट विद आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये आपका करेगा क्या, चलो ठीक है, यहाँ डायग्राम भी क्लियर कर दे रहा हूँ। ये आपका लास्ट वाला बचा, नॉन वॉइड मेथड विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो नॉन वॉइड मतलब क्या है, कि रिटर्न करेगा, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड बॉडी इट रिटर्न सम वैल्यू टू मैन, रिटर्न नहीं, तो रिटर्न नहीं करेगा ना, रिटर्न नहीं करेगा, आर्ग्यूमेंट लेगा, ये दोनों करेगा। ओके सर, यस सर, ठीक है सर, यस सर। देखो दोनों दो चीजें हैं, एक हो, एक आपका है void और एक argument, ठीक है। इसी yes, sir, yes, sir, yes, sir. तो इनके चार combinations बनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चार टाइप होते हैं, ठीक है। तो बाकी तीन टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं, yes, 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 sir. तो ये क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट को लेगा भी और रिटर्न भी करेगा, yes, sir. ठीक है। तो क्या है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड बॉडी इट रिटर्न सम वैल्यू टू मैन मेथड और प्रोग्राम। तो ये क्या है कि इसको एग्जीक्यूट होने के बाद ही है एग्जीक्यूशन, तो ये क्या करेगा, रिटर्न भी करेगा और ये आर्ग्यूमेंट भी लेता है, और ये क्या करता है, इट टेक्स सम वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो सेम प्रोग्राम मैंने क्या किया, या मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS, ये मैन मेथड हमारी, मैन मेथड यहाँ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, इंटीजर लेंथ लिया, इंटीजर विड्थ लिया, ठीक है, और एक मैंने लिया इंटीजर एरिया। अब मैंने क्या किया, इंटीजर ये एरिया में मैंने कॉल किया एरिया मेथड, ठीक है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ एरिया मेथड इसको, ठीक है। और मैंने क्या किया, पास कर दिया ये लेंथ और विड्थ को पास कर दिया, देखो। फिर ये हम आ गए हमारी ये क्या है, मेथड पर, ठीक है। तो मेथड पर आए तो देखो, यहाँ हमने रिसीविंग पैरामीटर लिए, ठीक है, इंटीजर ए इंटीजर बी, ठीक है, ए रिसीविंग पैरामीटर है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, देखो जो 10 और 20 पास किया, यहाँ 10 और 20 पास किया, तो जो 10 और 20 पास किया तो 10 20 यहाँ आ गया, ठीक है। तो मैंने इंटीजर वैल्यू ली सी, ठीक है, इंटीजर सी, सी इक्वल टू कर दिया ए एस्ट्रिक बी, मतलब 10 इंटू 20 हो गया, और इस रिजल्ट को मैंने रिटर्न कर दिया सी में, और सी में रिटर्न हो गया यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कॉल होने के बाद यहाँ पर, ठीक है, सी रिटर्न हो 200, और 200 को स्टोर कर लिया मैंने एरिया में, ये वाले एरिया में, उस एरिया को प्रिंट कर दिया मैंने। कुल मिला के ये है कि जो आपका void है, ठीक है, रिटर्न नहीं करता है, और नॉन void रिटर्न, यहाँ पर हमने क्या देखा, रिटर्न और आर्ग्यूमेंट के चार कॉम्बिनेशन देखे, yes, sir. ठीक है, जब इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे चार ही बनेंगे, किसी में रिटर्न yes, होगा yes, किसी में नहीं होगा, किसी में आर्ग्यूमेंट होगा किसी में नहीं होगा, चार होगा, ठीक है। अब इस मैं इसको रन करके दिखा दे रहा हूं आपको, यदि आपको एक को ही समझ में आ गया तो बाकी सारे समझ में जाएंगे, ठीक है, आगे समझ में, बस मैंने नॉन वर्ड समझ लिया था, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी।
सी ठीक है, मैंने इसको आउटपुट के लिए क्लियर और मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट इसने दे दिया यहाँ पर ये 200। ठीक है, प्रोग्राम एक ही है जो मैंने क्या है बिना मेथड के बनाया था, उसी को मैंने आपको चारों फॉर्म में बना दिया। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, जहां यूजर को जैसी नीड रहती है वो उसको एज ए यूज कर लेता है उस टाइप को। क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, हाँ क्लियर है? यस सर, क्लियर है, यस सर। ठीक है, तो अभी क्लास को एंड करूँ? यस सर, थैंक यू सर, वेलकम।